ये लड़की, I hate this girl so much. आज इसकी वजह से मैं इतनी पनिशमेंट मिली है ना. We have to do something about this girl. Listen. Oh, baby. You are here. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली तुम्हें थैंक यू बोलने आया था. तुमने मेरी जर्सी में नाम लिखा. दैट वाज वेरी कूल. थैंक यू. आई एम सो ग्लैड कि तुम्हें वो पसंद आया. पता है क्या, मैंने ये पहली बार किसी के लिए किया है. एंड यू नो व्हाट, मैंने ये इंटरनेट से सीखा है. I think I should go now. It's too late. Good night, baby. Love you. क्यों, कब और कैसे, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. Did you guys just see? मेरा सिड कितना स्वीट है. स्पेशली मुझे थैंक्स बोलने के लिए आया था. Isn't he adorable? Wow, yeah, that's so sweet. पर थैंक्स उसे बोलना ही था. उन्हें इतने प्यार से उसकी जर्सी पे उसका नाम जो लिख के दिया था. Come on, babe. वो तो मुझे करना ही था. He's my love and he loves me too. मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ और हमेशा रहूंगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले. लेकिन सिड की लाइफ में रिजैन की जगह कोई भी नहीं ले सकता. स्याली, मैंने कितनी बार बोला इसकी बात मत सुना कर. ये तो नॉन स्टॉप बकवास ही करती रहती है. और पता है जिस तरह ये अपनी आंखें घुमा घुमा कर से बात करती है ना, देखना एक दिन इसकी आंखें ना ऐसे हो जाएंगी. हम सुना कर इसकी बात. पागल है वो. नीति एकदम ठीक बोल रही है. फिजान की बातों से इफेक्ट होने की तुझे कोई जरूरत नहीं है. यू नो दैट शी इज लाइक दिस ओनली. पर ये जो बेवकूफ लड़की है इसके आसपास वो घूमती है ना, तू देखना एक दिन वो किसी और को पकड़ लेगी और फिर इन्हीं लोगों का मजाक उड़ाएगी. और नहीं तो क्या, क्रिजन ना कभी किसी की दोस्त नहीं बन सकती. स्याली आज ही इन लोगों के साथ है ना, देखना कल किसी और लोगों के साथ होगी. और पता है दोस्ती तो तूने निभाई है. मम्मी को बदनाम होने से बचा लिया तूने. लेकिन नीति, मैंने लाइफ में पहली बार उत्कर्ष को दिया हुआ वादा तोड़ा. वो मुझसे बहुत नाराज. स्याली, कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत भी करना पड़ता है. और वैसे भी तूने उत्कर्ष को सारी बात तो बता दी और वो गधा वम से नाराज भी नहीं है. फिर वो तो तूने हम दोनों की बात करा, वरना पता नहीं वो पागल कब तक मुंह फुलाए बैठे रहते. अरे सिमी, इस बार जाऊंगी ना तो फोन कर लूंगी. एक्चुअली मिल लूंगी. फोन आया था. विभाजी, विभाजी वो परीक्षा का पर्चा और क्रमांक तैयार हो गए. बेटी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ. भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे. कितनी संस्कारी हो तुम बेटा. शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं. अरे ऐसे कैसे, इतनी प्यारी हो तुम.
और कितनी खूबसूरत भी हो दादी। खैर अब तुम्हें दादी का आशीर्वाद मिल गया है ना, तो देखना बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में एक अच्छा सा लड़का आएगा। तुम्हें ना मैं पति पाने के कुछ नुस्खे देती हूँ, आजमा लेना। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन काम जरूर होगा, देखना। तुम ऐसा करना कि रात को घने पेड़ों के पास जाना और उसकी एक डाली पे लाल रंग का कपड़ा बांध देना, हाँ। और उसके बाद बस तुम्हें एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र ऐसे है, ऐसे आंख बंद करके बोलना, ओम अच्छा पति मिले नमः, ओम अच्छा पति मिले नमः। हाँ बस देखो काम कैसे होगा। दादी ये नुस्खे वाकई काम करते हैं? अरे बिल्कुल बेटा, ये तो आजमाया हुआ मंत्र है। हाँ मेरी पोती से इस हाल में भी कितना काम करा रही थी, अब देख मैं तुझसे कितना काम करवाती हूँ। देखो मेरी बेचारी बेटी का चेहरा कितना फीका हो गया, उसे इतना सारा काम कैसे करेगी बेचारी। नहीं नहीं दादी मैं हूँ ना। विभा जी आप विश्राम कीजिए, लाइए मुझे दे दीजिए। नहीं मैम मैं खुद कर लूंगी। बेटा प्यार से कह रही है, वो समझती है तेरी तकलीफ। ते अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा पति दे। अब जो मैंने कहा है वो जाके करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ और नुस्खे याद करती हूँ। दादी आप बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। आपने उसकी दुखती रख पे हाथ रख दिया, देखा कैसी उसकी रस्सी उसी के गले में डाल दी ना। अब बहुत हो रहा है, प्लीज अब मत करो। ऐसे लोगों के साथ तो बस ऐसा ही करना चाहिए। दादी आप भी ना। अरे मैं भी क्या, वो तुम्हें इतना सता रही है इतने दिनों से, उसे भी तो सबक सिखाना बनता है कि नहीं। पता नहीं विभा मैम की तबीयत कैसी होगी अभी, मुझे उनसे मिलना चाहिए। अरे उठना यार। क्या है यार, मैं अपने ग्लव्स भूल गया हूँ जिम में, प्लीज चल मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा कहीं, दो मिनट में आ जाएंगे, प्लीज चल। अरे ब्रो लाइट्स भी अभी ऑफ होने वाली है, पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगी, दोबारा झाड़ू पोछा नहीं लगाना मुझे। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, चल चल उठ। अच्छा चल अब तू आराम कर, मैं जरा क्वार्टर होके आती हूँ। एक तो ये घुटनों का दर्द, दो कदम चलो तो पांव टूटने लगते हैं। चल अब दादी रुको मैं हेल्प करती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे तू आराम कर, क्या कर रही है, आप कैसे उठाओगे, लाओ। अरे ले देखती हो। हाँ यार आ, तुझे अच्छे से याद भी कि तूने अपने ग्लव्स वहीं पर रखे थे। मुझे अच्छे से याद है यार। तो अब यहाँ कहाँ जा रहा है, इधर भी देख लेते हैं एक बार। चल मैं उठाती हूँ, नहीं तो किसी को बुलाती हूँ। बेटा रुक जा, रुको ना, तू आराम कर, चल। ओहो मैंने कहा ना, चल तू। फिर वही बात, देख गिरी जा रही है। ये हुई ना बात। थैंक यू बेटा, चलो इसी बात पे हाई फाई हो जाए। हाई फाई, हाँ हाँ। दादी ये उत्कर्ष और ये बात, ये मेरी दादी, दादी हमारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स में से हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई करो तुम दोनों। जी दादी। चलो इसी बात पे तुम लोग को मिठाई खिलाती हूँ। मिठाई। ये
लो लो। थैंक यू दादी।